दोस्तों थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है साडे पंजाबी स्पोर्ट चैनल विच। सो दोस्तों आज दी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ते तुसी अज इस वीडियो विच कुछ अजिहा सीखने वाले हो जिस नाल तुसी अपनी जिंदगी दा वड्डे तो वड्डा सुपना पूरा कर सकते हो। ते असी अज गल करांगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक विचों कुछ जरूरी प्रिंसीपल्स बारे। ते दोस्तों थिंक एंड ग्रो रिच दा मतलब है यानी कि सोचो ते अमीर बन जाओ। ते इस बुक नूं लिखिया है नेपोलियन हिल ने। इस बुक नूं लिखण दी प्रेरणा उस समय के अरबपति एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल नूं दित्ती सी। राइटर नेपोलियन हिल ने 500 के करीब उन्हां लोकां दे 20 साल रिसर्च कीती जिन्हां ने अपनी किस्मत खुद लिखी सी अते 20 साल रिसर्च करन तों बाद उन्हां ने यह बुक लिखी। दोस्तों जदों असीं किसी चीज़ नूं पूरे दिल तों चाहुंदे हाँ तां उह हकीकत बन के साडे सामने आ जांदी है भावें सुणन नूं इह इक आम जिही गल लग रही होवे पर इह सच है। तो यह सब कुछ साडे दिमाग अंदर चल रहे थॉट कारण हुंदा है। जिस तरह के थॉट साडे दिमाग अंदर चलणगे असी उस तरह के बन जाते हाँ। तो दोस्तों थोड़ा ज़्यादा समा ना लेंदे असी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो तुसी इस वीडियो कर दो लाइक अते होर नवी नवी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने लिए साडे पंजाबी स्पोर्ट चैनल नूं कर दिओ सबसक्राइब। दोस्तों नंबर वन स्टैप की तुहानू सब तो पहला यह क्लीयर पता होना चाहिए है कि तुहाडा असल विच की पाउण दा सुपना है। तो मान लो दोस्तों तुहाडा सुपना अमीर बनण दा है। अपने इस सुपने नूं पूरा करन दे लई आखिर तुहानू किन्नी रकम चाहीदी है अते किन्ने समय दे अंदर चाहीदी है। इत्थे तुहाडा इह कहना काफ़ी नहीं होवेगा कि मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहुंदा हाँ। फॉर एग्जाम्पल तुसी एक टैक्सी करवाउंदे हो ते टैक्सी वाले नूं सिर्फ चलन लई आखदे हो लेकिन टैक्सी वाला तुहानू अगों पुछेगा कि तुसी जाना कित्थे है लेकिन तुसी आखदे हो बस चलो। पर तुसी जिन्नी देर तक टैक्सी वाले नूं क्लीयर एड्रैस नहीं दसदे उन्नी देर तक वह तुहानू उत्थे नहीं लैके जा सकदा जिथे तुसी जाना चाहुंदे हो। सो इस तरह ही सानू अपने दिमाग नूं भी क्लीयरली दसना ही पवेगा कि असी किन्ना पैसा कमाना चाहुंदे हाँ। तो वह रकम 5 लख भी हो सकती है अते 50 लख भी हो सकती है। एक फिक्स रकम डिसाइड कर लो अते किन्ने समय के अंदर तुहानू यह रकम चाहीदी है अते उसके हिसाब नाल एक डेट फिक्स कर लो। तो दोस्तों इत्थे मैं तुहानू हॉलीवुड स्टार जिम कैरी की एक रियल एग्जाम्पल दसदा हाँ। जदों जिम कैरी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे सन तो फिर उस समय उन्होंने अपने नाम का एक चैक साइन किया जिस उपर उन्होंने 5 साल की डेट पाई और रकम लिखी $10 million फॉर एक्टिंग सर्विसिज और उस चैक न अपने पर्स में रख लिता। तो वह हर रोज़ उस चैक न देखते सन कि मैं एक दिन इस रकम को जरूर हासिल कराँगा। तो फिर कुछ समय के स्ट्रगल तो बाद उन्होंने मूवी की डम एंड डंबर अते फिर इस मूवी में की एक्टिंग दे लई उन्होंने चैक मिलिया जिस उपर रकम लिखी थी $10 million फॉर एक्टिंग सर्विसिज। जे दोस्तों तुसीं जिम कैरी बारे होर जानना चाहते हो तो असं जिम कैरी से एक पहला भी वीडियो बना चुके हाँ जो कि तुहानू तुहाडी स्क्रीन उत्ते आई बटन में मिल जाएगी। तो दूसरा स्टैप यह है कि तुहानू यह तय करना पवेगा कि तुसीं इन्ना पैसा कमाउण दे लई की कर सकते हो क्योंकि जे तुसीं इस दुनिया में कुछ भी पाना चाहते हो तो तुहानू उसकी कीमत देनी ही पवेगी। एक ऐसा प्लान तैयार करो जिस नाल तुसी पैसे कमा सकते हो। तो फिर एक बार प्लान तैयार करने तो बाद बिना झिझके उस उपर काम करना शुरू कर दो क्योंकि दोस्तों इस यूनीवर्स में एक अजिही ताकत है जो सानू उन्हां चीज़ां दे कोल लै आउंदा है जिन्हां उपर असीं यकीन करते हाँ। साडे दिमाग में हर रोज़ कई हजार विचार आते हैं कुछ नैगेटिव अते कुछ पॉजिटिव। जेकर असीं पॉजिटिव विचार अपने दिमाग में रखते हाँ तो असीं जिंदगी में कामयाब हो सकते हाँ लेकिन जे असीं नैगेटिव विचार अपने दिमाग में रखते हाँ तो असीं कदें भी कामयाब नहीं हो सकते। सो सानू हमेशा ही अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार ही रखने चाहिए हैं अते इस दे नाल ही तुहानू खुद उपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जे तुहानू खुद उपर भरोसा है तो तुसीं जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो अते हर पल यह महसूस करो जिवें कि तुसीं अमीर बन चुके हो। तो गल करते हाँ तीसरे स्टैप की। दोस्तों साडा कॉन्शियस माइंड सुपने देखता है लेकिन उसनू पूरा साडा सबकॉन्शियस माइंड करता है। साडा सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल लाइब्रेरी की तरह है जो साडे हरेक विचार नू स्टोर करके रखता है अते जिस दे हिसाब नाल असी एक्शन लेंदे हाँ असी अपने सुपने नू रियालिटी विच उदों ही बदल सकते हाँ जदों असी सबकॉन्शियस माइंड नू यह यकीन दवा देवांगे कि असी इस चीज़ नू पाउण दे लई सीरियस हाँ। सो दोस्तों जदों असी लगातार किसी चीज़ नू पाउण बारे सोचते हाँ तो सानू हर पासे ओही चीज नज़र आनी शुरू हो जाती है। सो जे तुसी इसे तरह ही अपने माइंड नू अपने गोल वाल फोकस करोगे तो तुहानू हर पासे अजिहियां अपॉर्चुनिटीज नज़र आउणगियां
जिस नाल तुसी अपने गोल नू पूरा कर सकते हो। लेकिन जे तुसी सोचोगे कि अपने गोल नू पाउणा बहुत ही मुश्किल है तां तुहानू हर पासे मुश्किलां ही नजर आउणगियां। ते गल करदे हां नंबर 4 स्टेप दी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि नॉलेज इज पावर। नहीं दोस्तों, नॉलेज उन्ना चिर तक साड़ी पावर नहीं बनती जिन्ना चिर तक असी उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। तो नाले नॉलेज भी दो तरह की होंगी है, जनरल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज। इसनों असी एक एग्जाम्पल समझते हाँ। एक बार हैनरी फोर्ड ने एक न्यूज़पेपर वाल ने इग्नोरेंट पैसीफिस्ट आख्या सी। हैनरी फोर्ड बारे बहुत सारिया गलत गल्लां उन्होंने अपने अखबार में छाप दित्तिया सन, जिस नाल हैनरी फोर्ड नूं बहुत गुस्सा आया अते फिर हैनरी फोर्ड ने उन्हां उपर केस कर दिता। ते फिर जदों कोर्ट विच सवाल जवाब होने शुरू हो गए तां फिर न्यूज़पेपर वाले दे वकील ने हैनरी फोर्ड कोलों अजीब अजीब सवाल पुछने शुरू कर दिते। न्यूज़पेपर वाले दा वकील यह साबित करना चाहुंदा सी कि हैनरी फोर्ड वाकया ही इग्नोरेंट पैसीफिस्ट हन। अते फिर कुछ देर बाद हैनरी फोर्ड अपनी चुप्पी तोड़दे होए बोले कि मैं तुहाडे फालतू सवालों का जवाब ही नहीं देना चाहुंदा। जेकर मैं चाहवा मेरे डैक्स उपर जो बटन लग्या होया है उसनू दबा के मैं किसी अजिहे इंसान नू बुला सकदा हाँ जो तुहाडे सारे सवालों के जवाब दे सकदा है। ते फिर तुसी दसो मैं अपना दिमाग फालतू की जनरल नॉलेज नाल क्यों भरा जो मैनू आसानी नाल मिल जाएगी सिर्फ एक बटन दबन के नाल ही। हैनरी फोर्ड का यह जवाब सुन के वकील नू यह पक्का पता लग गया कि हैनरी फोर्ड इग्नोरेंट पैसीफिस्ट नहीं बल्कि एक हाई एजुकेटेड इंसान हन। ते पंजवां स्टैप यह है इमेजिनेशन। इस दुनिया विच असी उस हरेक चीज नू पा सकते हाँ जा बना सकते हाँ जो असी इमेजिन कर सकते हाँ। ते दोस्तों तुसी इमेजिनेशन की पावर का अंदाजा इस तो ही ला लो कि इंसानों ने पिछले 150-200 साल विच एना कुछ अचीव कर लिया है जिन्ना कि पूरी ह्यूमन हिस्टरी विच नहीं होया। फॉर एग्जाम्पल जे कोई तुहानू अज तो 100 साल पहला यह आखदा कि बस एक बॉक्स उपर कुछ नंबर मिला के असी एक देश तो दूसरे देश विच बैठे इंसान नाल गल कर सकते हाँ तो उस समय तुसी उसनू पागल ही आखना सी। लेकिन किसी समय यह अनबिलीवेबल इमेजिनेशन ही सी जो कि अज यह बहुत ही आसान हो गया है ते इसनू कोई छोटा बच्चा भी आसानी नाल कर सकता है। ते दोस्तों हैनरी फोर्ड की इमेजिनेशन की मदद नाल ही साडा घोड़िया की बजाय तेज स्पीड वाली कारा विच सफर करना पॉसिबल होया। ते दोस्तों इलोन मस्क ने भी अपनी इमेजिनेशन की पावर नाल ही स्पेस एक्स, टैक्सला मोटर अते होर भी कई कंपनियां बनाईया जो कि कदे इम्पोसिबल सी। सो जे तुसी भी अपने गोल नू इमेजिन करदे रहोगे तां तुहानू अपने गोल नू पाउण दे बहुत सारे क्रिएटिव आइडिए मिल जाणगे। ते नंबर 6 दे स्टैप है द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। असी इंसान एवरेज बनदे हाँ उन्हां 5 लोकां दा जिन्हां नाल असी अपना ज्यादा समा बिताउंदे हाँ, यानी कि असी जे अपना ज्यादा समा उन्हां 5 कामयाब अते पॉजिटिव लोकां नाल बिताउंदे हाँ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ 5 ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ 7 ਸਟੈਪ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਬਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਾਰੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਪਲਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹਾਰ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
दोस्तों तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे पंजाबी स्पोर्ट चैनल विच। कि दोस्तों तुसीं भी जिंदगी विच एक सफल इंसान बनना चाहते हो ते जां बस पढ़ लिख के एक 9 to 5 वाली जॉब करके एक आम जही जिंदगी बतीत करना चाहते हो ते दोस्तों असीं अज तुहानू इस वीडियो विच दो पक्के दोस्तों की कहानी दसांगे ते उह दोनों ही दोस्त एक कामयाब इंसान बनने का सुपना देखते सन पर उन्हां विचों एक अपना सुपना पूरा करने विच कामयाब हो गया ते दूसरा दोस्त बहुत मेहनत करने तो बाद भी फेल हो गया। पर दोस्तों दूसरा दोस्त फेल इस करके हो गया क्योंकि उसने शरीरक तौर पर मेहनत की सी ते पहला दोस्त अपने सुपने नू पूरा करने विच कामयाब इस करके हो गया सी क्योंकि उसने मेहनत के नाल नाल दिमाग तो भी कम लिता सी। ते दोस्तों इस चीज़ का इतिहास भी गवाह है। तुसी किसी भी मिलीनियर जां बिलीनियर की हिस्ट्री पढ़ के देख लवो उन्हां विच तुहानू एक चीज़ कॉमन देखने मिलेगी। तुसी देखोगे कि किवें उन्होंने दुनिया विच चल रही प्रॉब्लम का हल एक यूनीक तरीके नाल कढ़िया ते वो अरबपति बन गए। तो दोस्तों गल करते हाँ उन्हां दोनों दोस्तों की कहानी बारे। दोस्तों वो दोनों ही दोस्त एक छोटे जिहे पिंड विच रहिंदे सी ते जिन्हां विचों एक का नाम पाबलो सी ते दूसरे का नाम ब्रूनो ते वो दोनों ही दोस्त एक ही सुपना देखते सन उस पिंड का सब तो अमीर आदमी बनना ते फिर फाइनली पाबलो अते ब्रूनो नू अमीर बनन दा एक मौका मिलिया। दरअसल उन्होंने पिंड विच पानी का कोई भी सोर्स नहीं सी ते उन्होंने पिंड विच एक वड्डी जही टैंकी सी ते जिसनू पिंड तो थोड़ी दूर नदी विचों पानी लिया के भरिया जांदा सी ते सारे पिंड दे लोग उतों ही पानी लैके वरतदे सन ते उस पानी वाली टैंकी नू भरन दे लई दो बंदिया की जरूरत सी जो बाल्टियां नाल नदी विचों पानी लिया के उस टैंकी नू भर सकन ते इह काम पिंड दे सरपंच ने पाबलो ते ब्रूनो नू दे दिता ते उहनां दे पिंड दा सरपंच उहनां नू हर बाल्टी दे हिसाब नाल एक पैनी दिंदा सी ते ब्रूनो इस काम तो बहुत खुश सी। हुण ब्रूनो नू लगन लग गया सी कि हुण उसदा सुपना जल्दी ही पूरा हो जाएगा अते उह हुण पिंड दा सब तो अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन दूसरे पासे पाबलो इस काम तो बिल्कुल भी सैटिस्फाई नहीं सी पर उह दोनों हर रोज बाल्टियां लैके पिंड तो नदी तक कई चक्कर लगाउंदे सन ते शाम तक बाल्टियां चक चक के उन्हां दी बॉडी पूरी तरह दर्द करन लग जांदी सी ते इतों तक के उन्हां दे हत्थां विच छाले भी पै गए सन। ते हुण पाबलो हमेशा यह सोचदा रहिंदा सी कि इस टैंकी नूं भरन दा आखिर कोई तां आसान तरीका होना चाहीदा है। ते फिर कुछ दिनों बाद पाबलो दे दिमाग विच एक आइडिया आया। फिर पाबलो ने अपना आइडिया ब्रूनो नूं दस्या, यार ब्रूनो मेरे कोल एक कमाल दा आइडिया है, सानू एक बाल्टी दी एक पैनी मिलदी है ते साडी मेहनत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्यों ना असी नदी तो लैके पिंड तक एक पाइपलाइन बना दीए। पर ब्रूनो नूं लग्या कि पाइपलाइन बनाउण नूं तां बहुत ज़्यादा समा लग जाएगा ते उसदा अमीर बनन दा सुपना विचकार ही रह जाएगा। उसने पाबलो दे पाइपलाइन वाले आइडिया नूं रिजेक्ट कर दिता ते वो होर वड्डी बाल्टी लै आया ते ज़्यादा पानी लियाउण दे लई पिंड तो नदी दे उसने ज़्यादा गेड़े लाने शुरू कर दिते ते दूसरे पासे पाबलो ने डिसाइड कर लिता कि वह हुण इकला ही पाइपलाइन बनावेगा। पाबलो नूं चंगी तरह पता सी कि यह काम मुश्किल है अते इस पाइपलाइन नूं बनाउण दे लई काफ़ी समा भी लग जाएगा। लेकिन फिर भी पाबलो ने अपना फोकस पाइपलाइन बनाउण ते सैट कर दिता पर उसने अपना पुराना काम भी नहीं छड्डिया ते उह पहलां दी तरह हर रोज़ बाल्टी दे नाल ही पानी लियांदा रहा। लेकिन पाबलो अपने खाली टाइम अते छुट्टी वाले दिन पाइपलाइन ते काम करदा सी ते फिर एक महीने बाद लोगों ने पाबलो उत्ते हसना शुरू कर दिता क्योंकि एक महीने विच कुछ भी खास काम नहीं होया सी ते हुण उसनू पिंड वालियां ने पाबलो दा पाइपलाइन मैन आ के छेड़ना शुरू कर दिता सी ते दूसरे पासे ब्रूनो दी कमाई डबल हो गई सी अते उसदा लाइफस्टाइल भी पूरी तरह बदल गया सी ते हुण उसने एक नवा घर भी ले लिया सी ते ब्रूनो हुण हर रोज अपने कमाए हुए पैसे नू बार अते रेस्टोरेंट विच खर्च करन जांदा सी। ते फिर कुछ महीनों बाद ब्रूनो ने यह महसूस किया कि उसका शरीर पहले नालों कमजोर पै गया है ते हुण इन्नी वड्डी बाल्टी चक्कन दे लई उसका शरीर उसनू अलाउ नहीं कर रहा। फिर उसने घट पानी लियाना शुरू कर दिता अते हौली हौली उसकी बाल्टी भी छोटी हुंदी गई ते फिर कुछ समा बीतिया पर पाबलो ने अपना पाइपलाइन ते काम जारी रखिया।
ते फिर आखिरकार उस दिन आ ही गया जिसका पावलो नू बहुत समय तो इंतजार सी। हुण पावलो दी पाइपलाइन बन के तैयार हो चुकी सी ते उसनू हुण बाल्टी भरन की जरूरत नहीं सी क्योंकि उसके द्वारा बनाई गई पाइपलाइन टैंकी विच पानी भर दिंदी सी। ते दोस्तों हुण पावलो दी कमाई बहुत वध गई सी ते हुण सिचुएशन इस तरह की बन गई सी कि पावलो हुण काम नहीं भी करदा सी तां वी उसनू पैसे आउंदे सन। चाहे पावलो खाना खा रहा जा सो भी रहा हुंदा सी पावलो नू तां वी पैसे आउंदे सन। ते हुण पाइपलाइन बनन दे कारण ब्रूनो बेरोजगार हो चुका सी ते दोस्तों ज्यादातर लोग ब्रूनो दी तरह अपना टाइम अते एनर्जी वेच रहे हन। जेकर उन्हां कोल एक नौकरी तो पैसे घट पै रहे हन तां उह दूसरी नौकरी करदे हन जां ओवर टाइम करदे हन यानी कि अपनी बाल्टी नू वड्डा कर रहे हन। ते दूसरे पासे पावलो ने कुछ अलग काम कीता। उसने अपना टाइम अते एनर्जी एक लिमिटेड इनकम दे लई नहीं वेचिया। पावलो ने अपना थोड़ा टाइम अते एनर्जी पाइपलाइन बनाउण विच लाई। ते दोस्तों अज जिन्ने भी अमीर लोग हन उन्हां सारयां ने भी अपनी खुद की एक पाइपलाइन विछाई हुई है ते उह है उन्हां दा बिजनेस। ते दोस्तों ऐसा टाइम हरेक उपर आउणा है जदों साडी एज ज्यादा हो जाएगी ते उस समय असी इन्ना ज्यादा काम नहीं कर सकांगे जिन्ना कि अज कर रहे हां ते शायद बिल्कुल यही काम ना कर पाइए। सो इसे लिए ही सानू अपना सारा टाइम अते एनर्जी एक लिमिटेड इनकम दे लई नहीं लाउणी चाहीदी। जेकर तुसी कोई नौकरी जां अजिहा बिजनेस कर रहे हो जिस विच तुहानू हमेशा काम करना बहुत जरूरी है ते उह तुहाडे बिना बिजनेस नहीं चल सकदा ते उह भी दोस्तों एक नौकरी ही है। सो जेकर तुसी जिंदगी विच कुछ वड्डा करना चाहुंदे हो तां तुहानू अपनी नौकरी विचों कुछ टाइम बचा के पाइपलाइन विछाउण विच जरूर लाउणा चाहीदा है। ते दोस्तों हुण साडी वीडियो खत्म हुंदी है। तुहानू वीडियो किद्दां लगी सानू कमेंट बॉक्स विच कमेंट करके जरूर दस्सिओ अते होर नवी अते इंटरेस्टिंग वीडियो देखण लई साडे पंजाबी स्पोर्ट चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर दिओ अते हर रोज नॉलेज अते मोटीवेशन दी चुटकी लैण लई तुसी साडे पंजाबी स्पोर्ट दे पेज नू इंस्टाग्राम ते फॉलो कर सकदे हो जिसका लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन विच मिल जाएगा। तो दोस्तों सानू अपना कीमती समां देण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे पंजाबी स्पोर्ट चैनल विच। दोस्तों अज बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं ते कई लोग अपना बहुत जरूरी काम छड़ के भी सोशल मीडिया ते अपना समा वेस्ट कर रहे होंदे हैं। ते दोस्तों जिंदगी विच सब तो ज्यादा कीमती साडा समा ही हुंदा है। सो जे असी उसे नू ही वेस्ट कर देवांगे तां साडे कोल पिछे की रह जाएगा। सो दोस्तों असी अज तुहानू इस वीडियो विच एक अजिही ट्रिक बारे दसांगे जिस ट्रिक नू तुसी अपनी जिंदगी विच इस्तेमाल करके तुसी अपने समय नू बचा सकते हो अते अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकते हो। सो दोस्तों गल करते हैं उस जादुई ट्रिक बारे। उस ट्रिक का नाम है 5 सैकंड रूल। तो दोस्तों 5 सैकंड रूल एक किताब है जिसनू लिखा है मेल रोबन ने। तो दोस्तों इस 5 सैकंड रूल ने मेल रोबन की जिंदगी विच बहुत वड्डा बदलाव लियांदा है। सो जे तुसी भी इस रूल नू अपनी जिंदगी विच इस्तेमाल करदे हो तां तुहाडी जिंदगी विच भी बहुत वड्डा बदलाव हो सकदा है। तो गल दोस्तों असल विच यह है कि साडा दिमाग बहुत ही कंफर्टेबल रहना पसंद करदा है ते असी जदों भी कोई अजिहा काम करदे हां जिस नाल सानू आराम मिलदा है जां खुशी मिलदी है तां उस समय साडे दिमाग विच एक डोपामीन नाम दा कैमिकल रिलीज हो जांदा है जो कि सानू वधिया फील करवाउंदा है। तो दोस्तों क्योंकि साडा दिमाग ही कुछ इस तरह का बनिया होया है। तो दोस्तों असीं जदों भी किसी सोशल मीडिया ऐप नूं ओपन करदे हां जिवें इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब अते कोई होर सोशल मीडिया ऐप ते उस ऐप विच जदों असीं कोई अजिही वीडियो देख लैंदे हां जो कि सानू इंटरटेन करदी है जां उस वीडियो विच कुछ असीं इंटरेस्टिंग देख लैंदे हां तां उस समय साडे दिमाग विच थोड़ा जिहा डोपामीन रिलीज हो जांदा है ते दोस्तों उस समय साडा खुद नू रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वैसे भी तुसी जदों कदे फ्री बैठे होंदे हो तो कोई भी काम नहीं कर रहे होंदे ते बस समा ही वेस्ट कर रहे होंदे हो तो उस स्टेट विचों बाहर निकलन दे लई सानू एक एक्टिवेशन एनर्जी की लोड़ होंदी है ते जिसके कारण असी उठ के अपना काम करन लग जाते हाँ। और दोस्तों साडा दिमाग यह कदे भी नहीं चाहेगा
कि असी उस एनर्जी नू इस्तेमाल करिए, लेकिन जे फिर भी असी अपनी फीलिंग्स नू कंट्रोल करके किसी काम नू करते हाँ तां उह इस करके हुंदा है क्योंकि साढ़े कोलों उस समय कोई होर ऑप्शन नहीं हुंदा। ते जिवें दोस्तों साढ़े पेरेंट्स सानू किसी काम लई फोर्स करते हैं तां सानू उह काम करना ही पैंदा है क्योंकि साढ़े कोलों कोई होर दूसरा ऑप्शन नहीं हुंदा। ते बस दोस्तों यह चीज़ सानू खुद नाल भी करनी पवेगी जेकर असी अपने समय नू वेस्ट होने तो बचाना चाहते हाँ। तो दोस्तों जिस तरह साढ़े पेरेंट्स सानू फोर्स करते हैं कोई भी काम करने के लिए, बस इस तरह ही सानू खुद नू भी फोर्स करना चाहिए है। तो दोस्तों यह करना बहुत ही सिंपल है, यह कहना है 5 सैकेंड रूल की ऑथर मेल रोबन का, क्योंकि उन्हों का मनना है कि साढ़े दिमाग में जो भी कोई थॉट आता है तो उस थॉट से काम करने के लिए साढ़े को सिर्फ 5 सैकेंड ही होंगे हैं, तो सानू 5 सैकेंड के अंदर ही उस थॉट उपर काम करना शुरू कर देना चाहिए है। जे दोस्तों असं 5 सैकेंड तो ज़्यादा समा लगाते हाँ तो साडा दिमाग कोई ना कोई बहाना जरूर लभ लवेगा उस काम नू टालन दे लई। पर जे दोस्तों तुसी इस आसान जी ट्रिक नू अपनी जिंदगी विच इस्तेमाल करते हो तां तुहानू कुछ दिनां विच ही अपनी जिंदगी विच बदलाव नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों हौली हौली करके तुहाडी जिंदगी विच बदलाव इन्ना ज़्यादा हो जाएगा कि तुसी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस ट्रिक की सब तो खास गल यह है कि तुसी इस ट्रिक नू किसी भी थां ते इस्तेमाल कर सकते हो। तो जिवें कि गल सवेरे उठन की ही कर लेंदे हाँ, भावें दोस्तों असी खुद न हर रोज़ रात को यह कह के सोते हाँ कि सवेरे जो मर्जी हो जाए मैं जल्दी जरूर उठांगा, पर जो सवेर होंगी है तो जो साड़ी अख घड़ी वाल जाती है तो फिर साड़ा दिल करता है मैं बस अद्धा घंटा होर सो के ही उठ जावांगा। तो फिर जो साड़ी अख लग जाती है तो 1-2 घंटे कदों बीत जाते हैं सानू पता ही नहीं लगता। तो असी हर रोज़ अपने काम कार अते कॉलेज जाने तो लेट हो जाते हाँ। तो दोस्तों कई की तो यह आदत भी होंगी है कि बस घड़ी की जदों वड्डी सुई 6 ते 12 ते आ जाएगी मैं उठ जावांगा। तो दोस्तों जिथे असी सवेरे जल्दी उठने बारे गल कर रहे हाँ तो इतने असी किसी होर चीज़ की भी गल कर सकते सी, पर असी सवेरे जल्दी उठन की गल इस करके कर रहे हाँ क्योंकि सानू सवेरे जल्दी उठने बहुत ही ज़्यादा फायदे होंगे हैं। सो दोस्तों इतने मैं एक गल कहना चाहवागा, जिन्हों अपनी नींद प्यारी होंगी है उन्होंने सूरज उठाता है, तो जिन्हों अपने सुपने प्यारे होंगे वो सूरज नू उठाते हैं। सो दोस्तों इस तुम्हें पता लग ही गया होगा कि सवेरे उठना क्यों जरूरी है। तो गल करते हैं अगे वीडियो की। तो दोस्तों साड़िया माड़िया आदत करके सानू कदे कदे छोटे तो आसान काम भी बहुत व्डे लगन लग जाते हैं, जिमें सवेरे उठ के सैर ते जा जिम जाना। सो दोस्तों इस तरह का ही कुछ हर रोज़ 41 साल की ओतर मेल रोबन नाल भी हुंदा सी, क्योंकि उस समय उन्होंने खुद को भी 5 सैकेंड रूल वाली ट्रिक बारे नहीं सी पता। तो हर रोज़ अलार्म बजने तो बाद रोबन नू बैड तो उठना एक चैलेंज वाला काम लगता सी। ते फिर जदों वो कुछ देर बाद उठ भी जाते सन तो वह उठद्या सार ही अपनी जिंदगी विच चल रही सारिया प्रॉब्लम्स बारे सोचन लग जाते सन। तो दोस्तों इतने सानू यह सीखने को मिलता है कि प्रॉब्लम्स तो हरेक की जिंदगी विच आउंदियां रहिंदियां हन, ते सानू कदे भी सवेरे उठद्या सार ही अपनी जिंदगी विच चल रही प्रॉब्लम्स बारे नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों यह सानू पता होना चाहिए है कि सिर्फ सोचन के नाल ही प्रॉब्लम्स कदे भी हल नहीं होंगी, तो सगो होर वड्डी लगन लग जाती है। तो सानू अपनी सवेर की शुरुआत एक विनर की तरह करनी चाहिए है, जो कदे प्रॉब्लम्स अगे गोडे नहीं टेकते तो सगो प्रॉब्लम्स नू जड़ तो ही खत्म कर देंगे हैं, जिमें मेल रोबन ने किया। तो दोस्तों उस समय मेल रोबन के कई चैक बाउंस हो चुके सन, तो वह कदे अपने घर के बाहर घर खाली करन दा बैंक द्वारा लाए गए नोटिस बारे सोचते सन। तो दोस्तों ओथर ने अपनी टेंशन नू घट करन दे लई हर रोज शराब पीनी शुरू कर दिती सी। ते उना दे हर दिन की शुरुआत इस तरह हुंदी सी जिवें उना दी जिंदगी विच सब कुछ उथल पुथल हो गया होवे। ते ओथर अपनी जिंदगी नू बदलना चाहुंदी सी लेकिन उना नू कुछ भी समझ नहीं सी आ रहा। ते फिर आखिर एक रात उना ने टीवी ते एक ऐड देखी जिस विच एक रॉकेट लॉन्च दा काउंटडाउन 5, 4, 3, 2, 1 दिखाया जा रहा सी। तो दोस्तों उस चीज़ तो रोबन ने इंस्पायर होके यह डिसाइड किया कि मैं सवेरे बैड तो बिल्कुल एक रोकड़ की तरह ही उठांगी।
दोस्तों हालांकि सुनने विच इह आम जही गल लग रही है, लेकिन अगले ही दिन जिदा ही सवेरे अलार्म वजिया, रोबन ने 5, 4, 3, 2, 1 रोकड़ वाला काउंटडाउन गिनना शुरू कर दिता अते अपने बैड तो उठन विच कामयाब हो गई। सो दोस्तों इस तरह हुई सी 5 सैकेंड रूल की शुरुआत। तो रोबन ने कुछ समय तक इस रूल नू अपने उपर अप्लाई किया, तो फिर बाद विच उन्होंने इस उपर बुक लिखी। तो दोस्तों मेन रोबन ते एक अजिहा समा भी सी जिस समय उन्हां कोल चज की नौकरी भी नहीं सी, ते उन्हां दे हसबेंड दा बिजनेस भी बंद होने की कगार ते आ गया सी। ते फिर जो उन्होंने 5 सैकेंड रूल नू अपनी जिंदगी विच अप्लाई करना शुरू किया, ते फिर कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने हसबेंड दा डूबदा होया बिजनेस फिर तो खड़ा कर दिता। ते मेल ओवन नू खुद नू भी CNN ने TV कमेंट्री करन दे लई हायर कर लिता। ते जे दोस्तों तुहाडा भी जिंदगी विच कोई गोल है ता तुहानू ता तुहाडे दिमाग विच जदों भी तुहाडे गोल दे अकॉर्डिंग कोई भी थॉट आउंदा है ता तुहानू सिर्फ 5 सैकेंड दे अंदर ही अपनी बॉडी नू मूव करके उस थॉट उपर काम करना शुरू कर देना चाहिदा है। ते दोस्तों इस तरह तुहानू छोटे छोटे स्टैप अपने गोल दे अकॉर्डिंग लैके तुसी एक दिन अपने गोल नू जरूर हासिल कर लवोगे। ते दोस्तों साइकोलॉजिकल रिसर्च भी यह कहती है कि कोई भी एक्शन लैन समय साडे कोल सिर्फ 5 सैकेंड का ही गैप होंदा है, ते सानू सिर्फ 5 सैकेंड के अंदर ही उस उपर एक्शन लै लेना चाहिदा है। ते दोस्तों ये सानू 5 सैकेंड रूल वाली ट्रिक अपनी जिंदगी विच जरूर ते जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए है। ते दोस्तों ये बहुत ही कारगर ट्रिक है। ते दोस्तों नाल ही तुसी इस वीडियो नू अपने यार दोस्त अते रिश्तेदारां नाल जरूर शेयर करो जिन्हां नू इसकी सब तो ज़्यादा जरूरत होवे, ते जिन्हां नू तुसी अपने नाल कामयाब हुंदा देखना चाहुंदे हो। ते दोस्तों ये तो सब नू पता है कि सक्सैस कदे भी एक दिन विच नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। तो दोस्तों हुण साडी वीडियो खत्म हुंदी है, तुहानू वीडियो किदां दी लगी सानू कमेंट बॉक्स विच कमेंट करके जरूर दस्सियो, अते होर नवीं नवीं ते इंटरेस्टिंग वीडियो देखण लई साडे पंजाबी स्पोर्ट चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर दिओ। तो दोस्तों तुसीं हर रोज़ नॉलेज अते मोटिवेशन दी चुटकी लैण लई साडे पंजाबी स्पोर्ट दे पेज नू इंस्टाग्राम ते फॉलो कर सकदे हो, जिसका लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन विच मिल जाएगा। तो दोस्तों सानू अपना कीमती समां देण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे पंजाबी स्पोर्ट चैनल विच। सो दोस्तों असीं अज गल करांगे डेल कार्नेगी दी बुक हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग बारे। दोस्तों जरा अपने दिमाग उपर जोर पा के सोचो कि ऐसी केड़ी चीज़ है जो इस समय तुहानू तंग कर रही है। वह भावें कोई भी चीज़ होवे, लेकिन तुहाडी यह टेंशन तुहानू जीन नहीं दे रही, तुहानू तुहाडे अपने तो दूर कर रही है, तुहाडी सफलता अते खुशियां तुहाडे कोलों खो रही है। ते की तुसी अपनी सारी जिंदगी टेंशन विच बिताउणा चाहुंदे हो, ते जां फिर खुल के अपनी जिंदगी जीना चाहुंदे हो? ते इस वीडियो विच असी तुहाडे नाल कुछ इफेक्टिव तरीके शेयर करांगे जो तुहानू हरेक प्रॉब्लम तो छुटकारा दवा देंगे। कि दोस्तों तुहाडी भी आदत है कि तुसी हमेशा अपनियां पुरानियां गल्लां दा पछतावा करदे रहिंदे हो, ते जां फिर हमेशा अपने फ्यूचर दी चिंता विच डुब्बे रहिंदे हो। ते कदे कदे तां कुछ लोग इन्नी ज़्यादा टेंशन लैंदे हन कि उह अपने प्रेजेंट नूं ही जीना भुल जांदे हन। कि दोस्तों तुहानू वाकई ही लगदा है कि तुसी अपनी जिंदगी खुले दिल नाल जी रहे हो? जरा खुद नूं इह सवाल करो, ते अगों जवाब आ रहा है कि इस तरह नहीं है। लेकिन जे तुसी वाकई ही अपनी जिंदगी नूं खुले दिल नाल जीना चाहुंदे हो, तां हर दिन नूं इस तरह जियो जिवें कि उह तुहाडी जिंदगी दा आखिरी दिन होवे। ते इत्थे मैं दोस्तों तुहानू एक छोटी जी स्टोरी सुनाउंदा हाँ। एक विलियम ओसियर नाम दा मैडिकल स्टूडेंट सी जो कि अपने फ्यूचर बारे सोच रहा सी कि वह फाइनल एग्जाम पास कर भी पावेगा जां नहीं, ते जां वह स्कूल खत्म करन तों बाद अगे कित्थे जावेगा अते किस तरह वह अगे अपने करियर की शुरुआत करेगा। जिस समय विलियम ओसियर यह सब कुछ सोच ही रहे सन, ते उस समय उन्हां दे हाथ विच एक किताब सी जिस नूं उह उस समय पढ़ रहे सन। ते उस किताब विच उन्हां नूं एक ही वर्ड अजिहे मिले जिस नूं पढ़ के उह इंस्पायर हो गए। ते आउण वाले समय विच इह मैडिकल स्टूडेंट अपनी जनरेशन दा सब तों ज़्यादा कामयाब डॉक्टरां विचों एक बनिया, अते ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी दा एक बहुत ही रिस्पैक्टेड प्रोफेसर भी बनिया। ते उस समय जो एक ही वर्ड विलियम ओसियर ने पढ़े सन
ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਕਿ ਦੂਰ ਜੋ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੋ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਓਸੀਅਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਸਟਲ ਅਲਸਰਸ ਜੋ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਮਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70% ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਟੈਪ ਵਾਲਾ ਮੈਜਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾਵੋਗੇ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਵਿਲੀਸ ਐਚ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੈਸ ਕਲੀਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੈਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਣੇ ਫੇਲੀਅਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 3-step ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ 3-step ਆਈਡੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ 3-step ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਦਾ ਵਰਸਟ ਆਊਟਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ $20,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਦਾ ਵਰਸਟ ਦੈਟ ਕੋਲਡ ਹੈਪਨ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਗੈਸ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ₹20,000 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਬੁਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 3, ਟਰਾਈ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਵਰਸਟ। ਬੁਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਐਨਰਜੀ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਹੁਣ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ $5,000 ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਗੈਸ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ $20,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ $15,000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜੇਕਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਰਫ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ
ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੀਕਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹਾਈ ਅਚੀਵਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹਾਈ ਪਰਫੋਰਮਰਸ ਹੈਬਿਟਸ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬੁਚਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਪਰਫੋਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਾਈ ਪਰਫੋਰਮਰਸ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬੁਚਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪਰਫੋਰਮਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਨ 6 ਹੈਬਿਟਸ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਹੈਬਿਟਸ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 3 ਹੈਬਿਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈਬਿਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਬਿਟਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਲੈਰਟੀ। ਅਤੇ ਕਲੈਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰਨੈਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਪਰਫੋਰਮਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਅਤੇ ਸਟਰੈਂਥ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਇਮੇਜ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ 40% ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਹੈਬਿਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਨਰੇਟ ਐਨਰਜੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਾਈ ਪਰਫੋਰਮਰ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹਾਈ ਪਰਫੋਰਮਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ 3 ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸੇਮ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੂਡ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਡਰੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹਾਈ ਪਰਫੋਰਮਰਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਟਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਐਨਰਜੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਰਫੋਰਮਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ते हाई परफॉर्मर हर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, जिस कारण उन्हों का मूड वधिया रहिंदा है ते वो हरेक काम नू वधिया तरीके नाल करते हैं। ते नंबर तीन ते स्टैप आता है कि हाई परफॉर्मर अपने हरेक काम नू पूरे फोकस नाल किवें करते हैं। तो दोस्तों जदों भी कोई हाई परफॉर्मर एक एक्टिविटी तो दूसरी एक्टिविटी वाल वधदा है तो वह अपने दिमाग नू कमांड देंदा है उसनू अगे की करना है। मान लो तुसी एक काम नू पूरा कर लिता है तो हुण तुसी दूसरा काम करना चाहते हो, यानी कि एक टास्क तो दूसरे टास्क विच शिफ्ट होना चाहते हो, तो असी इस दे लई हाई परफॉर्मर्स वाला ये स्टैप फॉलो कर सकते हैं। सब तो पहला असी 2 मिनट दे लई अपनी अखा बंद करके फिर अपने मूँह विचों वार वार बोलांगे रिलीज़ रिलीज़ रिलीज़, तो फिर तुसी थोड़ी देर बाद महसूस करोगे कि तुहाडी टेंशन पूरी तरह रिलीज हो गई है। तो फिर अगे उस टास्क बारे सोचो जो तुसी अगे करना चाहते हो, उस एक्टिविटी तो तुसी की रिजल्ट चाहते हो, तो तुसी उस एक्टिविटी नू किवें पॉजिटिव तरीके नाल कर सकते हो। इस बुक दे ऑथर ब्रैंडन बूचार्ड का कहना है जे असी इस स्टैप नू फॉलो करते हाँ तो असी सारा दिन एनर्जी जनरेट कर सकते हाँ अते हाई परफॉर्मर बन सकते हाँ। तो नंबर तीन ते हैबिट आउंदी है रेज नसैसिटी का मतलब है कि हमेशा एक्शन लैन की जरूरत नू महसूस करते रहो। अते हाई परफॉर्मर्स हर रोज़ सवेरे उठते हैं तो अपनिया सारिया जिम्मेवारियों निभाते हैं क्योंकि उन्होंने पता होंदा है कि उन्होंने एक्शन लेना क्यों जरूरी है। तो ब्रैंडन बूचार्ड अक्सर जो हाई परफॉर्मर्स में यह सवाल पूछते सन कि तुम इन्ना ज़्यादा हार्डवर्क किवें कर लेंगे हो, तो इस गल का जवाब ब्रैंडन बूचार्ड हमेशा सेम ही मिलता सी। हाई परफॉर्मर्स उन्होंने दसते सन कि यह उन्हों की परसनैलिटी का ही एक पार्ट है। चलो असं इस चीज़ को एक एग्जाम्पल नाल समझते हाँ। एक पासे अजिहा इंसान है जो बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है बस लोग दिखावे दे लई, ते दूसरे पासे अजिहा इंसान है जो बहुत सारे पैसे इस करके कमाना चाहता है क्योंकि उसने अपने बापू के सिर तो कर्जा उतारना है अते अपनी भैन का विआह भी करना है। सो इस तो तुहानू पता लग ही गया होगा कि ज़्यादा पैसे कमाने विच कौन कामयाब रहेगा। इतने सब का सेम आंसर ही होगा कि दूसरा इंसान, क्योंकि दूसरे इंसान के लिए पैसा कमाना एक नसैसिटी है ना कि लोग दिखावा। सो दोस्तों असं जो अपने गोल नू पूरा करन दे लई उसनू नसैसिटी बना लेंदे हाँ तो फिर उस फील्ड विच साडा हाई परफॉर्म देना ही साडी जरूरत बन जाता है क्योंकि उस समय सानू एक्शन लेना ही पवेगा। असी उस समय बस उस चीज़ बारे सिर्फ सोच नहीं सकते कि काश मैं अमीर बन जावा, उस समय सानू अपने गोल नू पूरा करन दे लई एक्शन लेना ही पवेगा। जे असी उस समय एक्शन नहीं लेंदे हाँ तो असी अपनी खुद दी नज़रां विच ही डिग जावांगे। तो दोस्तों हुण साडी वीडियो खत्म हुंदी है, तुहानू वीडियो किदां दी लगी सानू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दस्सिओ अते होर नवी ते इंट्रस्टिंग वीडियो देखण लई साडे पंजाबी स्पोर्ट चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लिओ अते हर रोज़ नॉलेज ते मोटीवेशन की चुटकी लैण लई तुसीं साडे पंजाबी स्पोर्ट दे पेज नू इंस्टाग्राम ते भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन विच मिल जाएगा। तो दोस्तों तुहानू अपना कीमती समां देण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे पंजाबी स्पोर्ट चैनल विच। सो दोस्तों असीं अज गल करांगे द सीक्रेट बुक बारे जिस नू लिखिया है रोंडा ब्रैन ने, ते सीक्रेट का मतलब है भेद, एक अजिहा भेद जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते लेकिन तुसीं इस वीडियो विच जानोगे उस सीक्रेट बारे। ते यह सीक्रेट जिन्हां लोगों को पता सी वह दुनिया विच बहुत ही ज़्यादा कामयाब होए हन। तुसीं भी इस सीक्रेट नू अपनी जिंदगी विच इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी नू पहले नालों काफ़ी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों इस सीक्रेट की सब तो खास गल यह है कि यह सब दे लई बराबर काम करता है, तुसी कौन हो किथे रहिंदे हो इस नाल इसनू कोई भी फर्क नहीं पैंदा। तो दोस्तों असी हुण वीडियो नू करदे हां स्टार्ट, ते तुसी इस चैनल नू कर दो सबसक्राइब ताकि लाइफ चेंजिंग अते नॉलेज वाली वीडियो दे नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सकन सब तो पहला। तो दुनिया के मोस्ट कामयाब लोगों का कहना है कि अपनी खुद की नॉलेज उपर किया गया टाइम इनवैसट तुहानू सब तो ज़्यादा फायदे दिंदा है। तो गल करते हाँ इस सीक्रेट बारे, अनलिमिटेड पावर अते दुनिया विच किसी भी चीज़ नू हासिल करन दा सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस यूनीवर्स के रूल साढ़े सारे दे लई सेम हन, इसलिए इस सीक्रेट नू कोई भी इस्तेमाल करके अपने सुपनों नू पूरा कर सकता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि तुसी जो भी सोचते हो जिस तरह के विचार तुसी अपने दिमाग विच लगातार सोचते रहते हो तुसी उन्हां चीज़ां नू अपनी जिंदगी विच आकर्षित करन लग जाते हो।
इसका मतलब है कि तुसी जो भी हमेशा सोचते हो वो चीज़ सच हो जाती है। अट्रैक्शन का रूल तुहाडे मन दे पावरफुल विचारों उपर काम करता है। पैसा, खुशियाँ, चंगी सेहत, यह सब कुछ तुसी हासिल कर सकते हो जेकर तुसी इन्हां चीज़ों बारे लगातार सोचते रहोगे। तुसी अपने आप नूं एक पावरफुल चुंबक की तरह समझो। तुहाडे विचारां विच इन्नी पावर है कि वह मन विच चल रहे आइडिए नूं एक रियालिटी बना देंदे हन। इसका आसान शब्दों में मतलब बनता है कि जिस तरह का तुसी सोचोगे बिल्कुल उस तरह दी चीज़ों नूं तुसी अपनी जिंदगी विच आकर्षित करोगे। साडे विचार एक बीज की तरह काम करते हैं, यानी कि जेकर तुसी हमेशा नैगेटिव चीज़ों बारे सोचते हो तो तुहाडे नाल सिर्फ बुरा ही बुरा हुंदा रहेगा, लेकिन जे तुसी पॉजिटिव विचार अपने दिमाग विच रखोगे तो तुहाडी जिंदगी विच खुशियां ही खुशियां होणगियां। ते दोस्तों यह लो हर सिचुएशन विच पूरी तरह काम करता है, पर तुहानू एक गल का खास ध्यान रखना पवेगा कि यह लो चंगे ते माड़े विच कोई भी फर्क नहीं समझदा। तुसी चंगा सोचो जां माड़ा, तुसी उसनू अपने वल आकर्षित करन लग जाओगे अते वह चीज़ हकीकत बन जाएगी। तुसी इसनू इस तरह भी समझ सकते हो, साडे आले दुआले हर एक चीज़ एक एनर्जी है, ते एनर्जी का मतलब है ऊर्जा। साडे विचार, शब्द अते एक्शन एक एनर्जी हैं, हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होंदी है। तो उस तरह साडे विचारां दी भी एक वाइब्रेशन होंदी है। जदों भी साडे मन अंदर कोई विचार आउंदा है तो वह यूनीवर्स विच एक सिग्नल की तरह जाता है, तो फिर यह लो सेम वाइब्रेशन दी चीज़ां अते लोकां नू साडी जिंदगी विच आकर्षित करन लग जाता है। जिनी ज़्यादा एनर्जी तुसी किसी विचार उपर लगाउंदे जाओगे तुसी उस चीज़ नू क्रिएट करन लग जाते हो, भावें तुहानू पता होवे जां ना पता होवे। चलो इस चीज़ नू एक एग्जाम्पल नाल समझते हाँ। जेकर तुसी किसी जरूरी काम लई किते बाहर जा रहे हो तो तुसी खुद नू ये कह रहे हो कि मैं लेट नहीं होना चाहुंदा, तो यह लो यह गरंटी दिंदा है कि तुसी जरूर लेट हो जाओगे। तो शायद उस दिन तुहाडा कोई जरूरी समान जो तुसी अपने नाल लैके जाना सी वह तुहानू समय सिर ना मिले, तो यह चीज़ शायद साडे विचों बहुत सारे लोगों नाल वैसे भी होई होवेगी। तो जां तुहानू उस दिन रास्ते विच ट्रैफिक ज़्यादा मिल जाए तो सानू यह कहन दी बजाय कि मैं लेट नहीं होना चाहुंदा बल्कि यह कहना चाहिदा है कि मैं हमेशा समय सिर पहुँचना हाँ, जां मैं समय का बहुत ही पाबंद इंसान हाँ। तो एक गल होर, तुसी जिहड़ा भी कोई काम करना है सिर्फ उस बारे ही विचार अपने दिमाग अंदर रखो, जिहड़ा काम तुसी नहीं करना उसके बारे तुसी ना सोचो, क्योंकि यह लॉ साडे विचारां अनुसार ही काम करता है। तुसी यह तो समझ लिता है कि यह सीक्रेट काम किवें करता है, तो हुण असीं तुहानू 3-स्टैप प्रोसीजर दसांगे जिस नाल तुसी यह भी समझ लओगे कि इस सीक्रेट नूं इस्तेमाल किवें करना है। पहला स्टैप है मंगना, दूसरा स्टैप है विश्वास करना, तो तीसरा स्टैप है रिसीव करना, तो सब तो पहला स्टैप है इस यूनीवर्स तो मंगना। लेकिन इस दे लई तुहानू पहले ध्यान नाल सोचना पवेगा कि तुसी चाहुंदे की हो। तुसी उस चीज़ नूं एक पेपर उपर लिख सकते हो जां अपने मन विच उसकी इमेज नूं इमेजिन कर सकते हो। तुहानू उस विचार दे बारे क्लीयर होना पवेगा, इस विच कन्फ्यूजन की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तुहानू तुहाडे गोल दे बारे साफ साफ पता होना चाहिए है। एग्जाम्पल दे लई जेकर तुहानू एक कार चाहिए है तो तुहानू ब्रांड अते मॉडल बारे क्लीयरली पता होना चाहिए है। तुसी अपनी पसंद के रंग नूं इमेजिन करो, तुसी ए भी इमेजिन करो कि जिवें तुसी उस कार नूं चला रहे हो ते तुसी बहुत खुशी महसूस कर रहे हो अपनी ड्रीम कार नूं चला के। जेकर तुसी अपने गोल नूं लैके क्लीयर नहीं होवोगे तो यह लो काम नहीं करेगा। जेकर तुसी अपने दिमाग विच मिक्स विचार रखोगे तो इस यूनीवर्स विच मिक्स सिग्नल ही जाणगे ते फिर तुहानू मिक्स रिजल्ट ही मिलणगे। यह बिल्कुल एक रेस्टोरेंट के अंदर ऑर्डर प्लैन करन दे वर्गा है, जिवें तुसी मेन्यू तो एक डिश सिलैक्ट करदे हो तो वेटर नूं दस दिओ कि मैनू यह चीज़ चाहीदी है। यह यूनीवर्स एक वेटर की तरह है जो तुहाडे ऑर्डर की वेट कर रहा है, इसलिए तुहानू साफ साफ पता होना चाहिए है कि तुसी उसनू की ऑर्डर दिता है। दूसरा स्टैप है विश्वास करना, जो चीज़ तुसी पहले स्टैप विच क्लीयर कीती है तो तुहानू पूरा विश्वास होना चाहिए है कि जो चीज़ तुसी मंगी है वह तुहानू जरूर मिलेगी, तो यह चीज़ तुसी 100% हासिल करके ही रहोगे चाहे जो मर्जी हो जाए। जिवें तुसी ऑनलाइन किसी चीज़ नूं ऑर्डर करदे हो तां तुहानू पूरा विश्वास हुंदा है कि वह चीज़ तुहानू एक दो दिन के अंदर मिल जाएगी, लेकिन जिहड़ी चीज़ तुसी मंगी है वह तुहानू एक दो दिन विच तां नहीं मिलेगी, पर विश्वास करो कि बड़ी जल्दी वह तुहानू मिल जाएगी। तो जदों तुहाडा विश्वास इन्ना पक्का हो जाएगा
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਕਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ 3-step ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ 3-step ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਾਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਸਟ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਅ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਗੇਮ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਈਕਲ ਜੋਰਡਨ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਦੋਸਤੋ ਮਾਈਕਲ ਜੋਰਡਨ ਦਾ ਜਨਮ 17 ਫਰਵਰੀ ਸੰਨ 1963 ਵਿੱਚ ਬਰੁਕਲਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਜੋਰਡਨ ਦਾ ਬਚਪਨ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੋਰਡਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੋਰਡਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋਰਡਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੋ ਜੋਰਡਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ $1 ਦੀ। ਅੱਗੋ ਜੋਰਡਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ $2 ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਜੋਰਡਨ ਨੇ ਉਸ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤਾ, ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਰਡਨ ਨੇ ਦੋਸਤੋ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ $2 ਦੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ $2 ਲਿਆ ਕੇ ਜੋਰਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੋਰਡਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋਰਡਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੋ ਜੋਰਡਨ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ $1 ਦੀ। ਫਿਰ ਜੋਰਡਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋਰਡਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ $20 ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਓ। ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੋਰਡਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਜੋਰਡਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜੋਰਡਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ। ਜੋਰਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਕੀ ਮਾਊਸ ਦਾ ਸਟੀਕਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਰਡਨ ਉਸ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਜੋਰਡਨ ਕੋਲੋਂ $20 ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ $5 ਟਿਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਜੋਰਡਨ $25 ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋਰਡਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਜੋਰਡਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਰਡਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋਰਡਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਜੋਰਡਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜੋਰਡਨ ਨੇ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ $1 ਦੀ। ਹੁਣ ਜੋਰਡਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋਰਡਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਇਸ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ $200 ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜੋਰਡਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ $1 ਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ $200 ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ $1 ਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ $200 ਦੀ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ $200 ਦੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜੋਰਡਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ
कि नाल दे शहर विच हॉलीवुड दी एक्ट्रेस फारा आई हुई है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करन दे लई। फिर अगले ही दिन उस टी शर्ट नू लेके जॉर्डन पहुंच के दूसरे शहर जिथे हॉलीवुड दी एक्ट्रेस फारा कॉन्फ्रेंस करन दे लई आई हुई सी। दोस्तों जॉर्डन फिर बहुत मेहनत तो बाद पुलिस दी सिक्योरिटी तोड़दे हुए फारा एक्ट्रेस दे कोल पहुंच ही गए ते हॉलीवुड दी एक्ट्रेस फारा नू कहन लगे कि मैनू तुहाडा ऑटोग्राफ इस टी शर्ट ते चाहिदा है। ते जॉर्डन दी उम्र दोस्तों सिर्फ उस टाइम 12 साल दी सी ते फारा दे सामने एक छोटा जिहा बच्चा टी शर्ट नू लेके खड़ा है ते फारा जॉर्डन नू मना नहीं कर पाई ते अपना बहुत सुंदर ऑटोग्राफ उस टी शर्ट उत्ते दे दिता। दोस्तों फिर जॉर्डन उस टी शर्ट नू लेके बाजार विच चले गए। फिर जॉर्डन ने उत्ते खड़े होके आवाजा देनिया शुरू कर दितिया। जॉर्डन कहन लगे हॉलीवुड दी सब तो खूबसूरत एक्ट्रेस फारा दे ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट सिर्फ $200 दी। दोस्तों जो कि फारा उस समय दी बहुत फेमस एक्ट्रेस सी इसलिए उस टी शर्ट नू खरीदन लई उत्ते भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। ते दोस्तों भीड़ इन्नी ज्यादा इकट्ठी हो गई सी कि उत्ते उस टी शर्ट दी बोली लगनी शुरू हो गई। कोई उस टी शर्ट दे $500 दे रहा सी ते कोई उस टी शर्ट दे $1000। ते दोस्तों एंड विच एक पैसे वाले बंदे ने उस टी शर्ट नू $2000 विच खरीद लिता। फिर जॉर्डन जो तो इन्ने ज्यादा पैसे लेके अपने घर पहुंचे उन्होंने अपने पिता जी नू $2000 दिते। इन्ने ज्यादा पैसे देके जॉर्डन दे पिता दे अखां विचों हंजू आ गए ते उस दिन जॉर्डन दे पिता जी नू विश्वास हो गया कि जॉर्डन एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। दोस्तों सानू भी इस घटना तो यह सिक्ख्या मिलती है कि सानू भी जिंदगी विच कदे भी किसी भी वड्डी मुश्किल नू देख के हार नहीं मननी चाहीदी ते दुनिया विच इस तरह दी कोई भी मुश्किल नहीं है जिसका कोई हल ना होवे ते सानू हरेक मुश्किल दा सामना करना चाहिदा है ना कि सानू मुश्किल नू सामने देख के डरना चाहिदा है। दोस्तों हुण साडी वीडियो ते खत्म हुंदी है। सानू वीडियो किद्दां दी लगी सानू कमेंट बॉक्स विच कमेंट करके जरूर दसना ते दोस्तों सानू अपना कीमती समां देने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। दोस्तों तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे पंजाबी स्पोर्ट चैनल विच। तो दोस्तों अज असीं गल करांगे हॉलीवुड दे सुपरस्टार जिम कैरी दी लाइफ बारे अते तुहानू दसांगे उन्हां दी जिंदगी दी एक अनोखी घटना बारे भी जिस तो सानू बहुत कुछ सीखण नू मिलदा है। ते दोस्तों तुहाडा ज्यादा समां ना लैंदे होए असीं वीडियो नू करदे हां स्टार्ट। तुसीं इस वीडियो नू कर दो लाइक अते होर नवीं-नवीं अते इंटरेस्टिंग वीडियो देखण लई साडे पंजाबी स्पोर्ट चैनल नू कर दो सबसक्राइब। दोस्तों जिम कैरी दा जन्म कनेडा दे ओंटारियो शहर विच 17 जून सन 1962 नू एक गरीब परिवार विच होया। दोस्तों जिम कैरी दे घर विच बहुत ज्यादा गरीबी होण कारण उन्हां नू बचपन विच बहुत सारियां मुश्किलां दा सामना करना पिया। जिम कैरी दे घर दे हालात इन्ने माड़े सन कि उन्हां दे घर दे जिम कैरी दे स्कूल दी फीस भी नहीं सन भर सकदे। दोस्तों जिम कैरी ने कुछ कु साल पढ़ाई करन तों बाद पढ़ाई छड्ड दित्ती अते फिर अपने घर दा गुजारा तोरन लई छोटी ही उम्र विच काम करना शुरू कर दिता। दोस्तों जिम कैरी नू शुरू तों ही एक्टिंग दा बहुत शौक सी अते जिम कैरी दे पिता जी नू जिम ते पूरा विश्वास सी कि जिम कैरी एक दिन बहुत कामयाब एक्टर बनेगा। जिम कैरी नू एक्टर बनाउण विच जिम कैरी दे पिता जी भी हरेक तरह दी कोशिश करदे सन। फिर अगे जाके 15 साल दी उम्र विच जिम कैरी ने अपना काम छड्ड दिता अते अपना पूरा ध्यान एक्टिंग वल ला दिता। दोस्तों फिर कुछ सालां दी मेहनत अते कोशिश तों बाद जिम कैरी नू नाटकां विच छोटे-छोटे रोल मिलन लग गए सन। जिम कैरी वैसे तां कॉमेडियन रोल बहुत ही वधिया तरीके नाल निभाउंदे सन। दोस्तों फिर अगे जाके सन 1991 विच जिम कैरी ने डक फैक्टरी अते इन लिविंग कलर वर्गे नाटकां विच काम कीता जिस दे नाल जिम कैरी दी थोड़ी बहुती पहचान लोकां विच बन गई सी। पर इन्ना कुछ करन तों बाद जिम कैरी नू कोई वड्डी सफलता नहीं सी मिल रही। दोस्तों फिर कुछ सालां दे स्ट्रगल तों बाद जिम कैरी ने अपने फ्यूचर बारे सोचते हुए अपने लई इक चेक साइन कीता जिस चेक विच जिम कैरी ने 5 साल बाद दी डेट पा दित्ती अते उस चेक विच लिखिया जिम कैरी फॉर एक्टिंग सर्विसेज ते अमाउंट लिखी $10 मिलियन और अपने लई इक गोल सेट कर दिता और हर रोज उस गोल उत्ते काम करना शुरू कर दिता। दोस्तों जिम कैरी नू अपने उत्ते पूरा विश्वास कि मैं एक्टिंग जगत विच जरूर कामयाब ਹੋਵਾਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ 42% ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਔਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਓ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ।
और मैं इस नूं जरूर पूरा करना है। तो दोस्तों हुण गल करदे आ जिम कैरी दी। जिम कैरी दी शुरुआत भावें छोटी सी पर उन्हां दी सोच वड्डी सी। फिर कुछ सालां तक जिम कैरी ने छोटे छोटे रोल कीते जिन्हां विच जिम कैरी ने अपनी शानदार एक्टिंग दे नाल लोकां विच अपनी वखरी पहचान बना ली। फिर उस तों बाद जिम कैरी ने बैटमैन फॉरएवर अते द मास्क वर्गियां फिल्मां विच लीड रोल कीते ते इह दोनों ही फिल्मां हिट रहियां। दोस्तों इन्हां फिल्मां तों बाद जिम कैरी ने फिल्म कीती डम एंड डंबर जो कि सुपर हिट गई। दोस्तों फिर इसे ही फिल्म दी शानदार एक्टिंग दे लई उन्हां नूं 10 मिलियन डॉलर दा चेक मिलिया अते फिर उस तों बाद जिम कैरी ने कदे भी पिछे मुड़ के नहीं देखिया। दोस्तों जिम कैरी ने फिर एक तों एक हिट फिल्म कीती जिवें लियर लियर द केबल गाय मैन ऑन द मून द नंबर 23 अते होर भी कई फिल्मां कीतियां। इन्हां फिल्मां विच जिम कैरी ने कॉमेडियन रोल अते सीरियस रोल भी बहुत ही वधिया तरीके नाल निभाए। दोस्तों जिम कैरी नूं अपना पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड गोल्डन ग्लोब द मास्क मूवी लई मिलिया अते बाद विच होर भी कई अवार्ड मिले। दोस्तों फिर अगे जाके जिम कैरी बॉलीवुड विच सब तों वध तनखाह लैण वाले एक्टर विचों एक बन गए। दोस्तों हुण साडी वीडियो खत्म हुंदी है। तुहानूं वीडियो किद्दां दी लगी सानूं कमेंट बॉक्स विच कमेंट करके जरूर दस्सिओ अते होर नवीं नवीं इंटरेस्टिंग वीडियो देखण लई साडे पंजाबी स्पोर्ट चैनल नूं कर दिओ सबसक्राइब अते दोस्तों इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर जरूर कर दिओ। सानूं अपना कीमती समां देण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।